पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 10 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट। तो लास्ट क्लास में हमने किडनी तक जो है डिस्कस किया था, आज हम उसके आगे से स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है डायलिसिस। इन नॉर्मल कंडीशंस अ पेयर ऑफ किडनी इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्सक्रीशन। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, हमें एक्सक्रीशन के लिए शरीर में से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, अ पेयर ऑफ किडनी यानी दो किडनीज की जरूरत हमें होती है। However, it is possible to survive with the functioning of one kidney. लेकिन जो है हम वन किडनी के ऊपर भी अपने जो functions होते हैं उनको चला सकते हैं। But if both the kidneys are not working, waste builds up in the blood. लेकिन अगर दोनों किडनियां काम करनी बंद कर दे, हमारी जो दोनों किडनी है वो काम करनी बंद कर दे, तो हमारे ब्लड के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बढ़ जाता है। Eventually, this may cause death of the person. इसकी वजह से क्या हो सकती है, किसी पर्सन की डेथ भी हो सकती है। दिस कंडीशन वेयर किडनीज स्टॉप फंक्शनिंग इज कॉल्ड किडनी फेलियर। जिस सिचुएशन में हमारी किडनियां काम करना बंद कर देती है उस सिचुएशन को बोलते हैं किडनी फेलियर। एंड आर्टिफिशियल किडनी इज यूज। ऐसे केसेस में क्या होता है कि आर्टिफिशियल किडनी को यूज किया जाता है। द आर्टिफिशियल किडनी इज कॉल्ड डायलिसिस मशीन। तो वो आर्टिफिशियल किडनी कौन सी होती है, वो होती है डायलिसिस मशीन। In this device, the large particles are separated from smaller ones. Thus, dialysis is the process of removing waste from the body by using dialysis machine. इसके अंदर क्या होता है, हमारी जब किडनियां काम करनी बंद हो जाती तो एक मशीन के थ्रू हमारे जो है किडनी है उसका अल्टरनेटिव यूज लिया जाता है। और क्या होता है, ये मशीन क्या करती है, ब्लड के अंदर से बिग पार्टिकल्स और स्मॉल पार्टिकल्स को अलग अलग कर देती है और वेस्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकालती है। इट प्रिवेंट्स द वेस्ट प्रोडक्ट इन द ब्लड फ्रॉम रीचिंग hazardous levels. तो ब्लड के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट उनके हानिकारक प्रभाव बढ़ने तक उसको खत्म करके बाहर निकाल देती है। फिर है excretion in other animals. अभी तक हमने excretion humans के अंदर पढ़ा था, अब दूसरे जानवरों में किस तरह से excretion होता है, शरीर में से वेस्ट प्रोडक्ट किस तरह से बाहर निकलते हैं। The small organisms like amoeba, paramecium, hydra and sponge do not have an excretory system like higher animals. तो जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं या यूनिसेल्यूलर जो एनिमल्स होते हैं, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, स्पंज है, इनके पास जो होता है एक्सक्रेटरी सिस्टम नहीं होता है। इन दीज एनिमल्स वेस्ट प्रोडक्ट्स आर एलिमिनेटेड बाय द डिफ्यूजन थ्रू देयर बॉडी सरफेस। तो इनके अंदर जो है वेस्ट प्रोडक्ट कैसे बाहर निकलते हैं, इनकी जो बॉडी सरफेस होती है, बॉडी की जो सतह होती है, उसके थ्रू जो है वेस्ट प्रोडक्ट ये बाहर निकालते हैं। Diffusion is the process of movement of substance from region of higher concentration to the region of lower concentration. तो इसमें diffusion के अंदर क्या होता है, higher concentration से लेके lower concentration तक जो waste product है वो बाहर निकलते हैं। When the waste concentration increase inside the body cells, it flow outside the body through the cell membrane in case of lower organism. तो इसमें क्या होता है कि जब body के अंदर waste product बढ़ जाता है तो वो body के through ही बाहर निकल जाता है। कैसे, मेम्ब्रेन इन जो इनके लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके थ्रू जो मेम्ब्रेन होता है उससे ये बाहर निकल जाते हैं। इन अर्थवर्म द एक्सक्रीटोरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट कॉल्ड नेफ्रिडिया। अर्थवर्म के अंदर जो एक्सक्रीटोरी सिस्टम होता है उसका क्या नाम होता है, नेफ्रिडिया। इंसेक्ट हैव अ सीरीज ऑफ ट्यूबलेस ऑफ एक्सक्रीशन कॉल्ड मालफिगियन ट्यूबल्स। तो इस तरह के जो इंसेक्ट होते हैं इनके अंदर ट्यूबल्स की जो है सीरीज होती है, एक पूरी श्रृंखला होती है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की, जिसको मालफिगियन ट्यूबल्स बोलते हैं। फिर है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन किस तरह से होता है, प्लांट्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स एज वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू द स्टोमेटा। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि जो प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा होता है, जो लीव्स के ऊपर पोर्स होते हैं स्टोमेटा, उसके थ्रू जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स बाहर निकलते हैं। They also release some other waste product which are useful to us in various ways. तो वो जो है दूसरे waste product को भी बाहर निकालते हैं जो कि दूसरी तरह से useful होते हैं। These waste product are latex, oils, tannins, gums and resins. तो ये कौन कौन से product होते हैं, latex होता है, oil होता है, resins होता है, gums होते हैं, जो bone जो हम खाने में काम में लेते हैं bone, वो latex जो होते हैं जो चिपचिपे पदार्थ हम petroleum jelly के रूप में use लेते हैं, जो जितने भी ऑयल्स है वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं वो सारे जो है वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन वो हमारे काम आते हैं। ऑल दिस वेस्ट प्रोडक्ट आर यूजफुल टू अस इन मेनी वेज। तो ये सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ये हमारे बहुत तरीके से काम में आते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है खत्म होता है और इसके जो क्वेश्चन है मैं आपको ग्रुप के अंदर प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको उनके आंसर ढूंढने हैं। ठीक है, थैंक यू।